नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। हमारा आज का ये एपिसोड उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं और जिसके लिए वे किसी न किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप भी उन एस्पिरेंट्स में शामिल हैं तो आज के एपिसोड में हम आप सभी के लिए SSB इंटरव्यू के 3 दिन वाले एक नई प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे डी नोवो SSB सिस्टम का नाम दिया गया है। तो और समय ना गवाते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको SSB इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि SSB इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर्स की भर्ती के लिए राइट कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए इंटरव्यू का आयोजन करता है। और आप इस SSB इंटरव्यू को क्लियर किए बिना इंडियन आर्म फोर्सेज की किसी भी सर्विस में ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। और जो वर्तमान समय का 5 दिन वाला SSB इंटरव्यू सिस्टम है वो सन 1948 से चलता आ रहा है। हालांकि तब से लेकर अभी तक इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर। और इस SSB इंटरव्यू प्रोसेस में साइकोलॉजी, GTO और पर्सनल इंटरव्यू जैसे 3 अलग अलग डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी को परखा जाता है। और जो वर्तमान समय का SSB इंटरव्यू सिस्टम है वो 5 दिन की प्रोसेस है। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से इस 5 दिन वाली SSB इंटरव्यू प्रोसेस को 3 दिन वाली SSB इंटरव्यू प्रोसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सन 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें ये मालूम पड़ा था कि इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 9000 ऑफिसर्स की कमी है। और ऐसी एक रिपोर्ट पिछले साल अगस्त 2018 में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस सुभाष भामरे द्वारा लोकसभा में पेश की गई है, जिसमें ये मालूम पड़ा था कि अभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस में 9093 ऑफिसर्स की कमी है, जिनमें 7298 ऑफिसर्स आर्मी में, 1606 नेवी में और करीब 192 ऑफिसर्स इंडियन एयरफोर्स में कम है। और 2016 में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने के लिए इस 3 दिन वाले डी नोवो सिलेक्शन सिस्टम को शुरू करने का फैसला लिया गया, क्योंकि जो वर्तमान समय का SSB इंटरव्यू सिस्टम है उसकी प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी है। लेकिन इस डी नोवो सिस्टम की मदद से इस 5 दिन के प्रोसेस को केवल 3 दिन में ही पूरा कर लिया जाएगा, जिस वजह से ज्यादा कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और कम से कम समय में अधिक से अधिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकेगा। तो इस डी नोवो सिलेक्शन सिस्टम को डिजाइन किया है DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च यानी कि DIPR ने, और सिस्टम को तैयार करने में लगभग 5 सालों का समय लगा है। हालांकि फिलहाल अभी इस डी नोवो सिस्टम के ट्रायल्स चल रहे हैं और इसे इस साल यानी कि 2019 में इम्प्लीमेंट किए जाने की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि हमें इस नए डी नोवो सिस्टम में पुराने वाले SSB सिस्टम की तुलना में क्या अलग देखने को मिलेगा। तो पहला तो हमें ये मिलेगा कि इसमें 5 दिन की जगह केवल 3 दिन की प्रोसेस होगी, और जो पहले दिन की प्रोसेस होगी जिसे स्क्रीनिंग कहा जाता है वो पुराने वाले SSB सिस्टम वाले स्क्रीनिंग से काफी ज्यादा अलग होगी, क्योंकि पुराने वाले SSB इंटरव्यू में स्क्रीनिंग में 4 तरह की प्रोसेस होती थी। पहला OIR, दूसरा PPDT, तीसरा नरेशन और चौथा GD। लेकिन इस डी नोवो सिस्टम में केवल OIR टेस्ट होगा और वो भी ऑनलाइन होगा, यानी कि इसमें आपको कोई भी फिजिकल बुकलेट नहीं मिलेगी। यानी कि इसमें क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और उसका एक लिमिटेड टाइम होगा, और उस टाइम के बाद वो क्वेश्चन हट जाएगा, और अगर इसमें आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप उसे दोबारा से नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कैंडिडेट्स को और भी अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। हालांकि फिलहाल अभी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्क्रीनिंग टेस्ट को कैंडिडेट्स के घर के पास किसी स्पेसिफाइड टेस्ट सेंटर में ही आयोजित किया जाएगा, जैसे कि किसी रेगुलर CET एग्जाम की तरह। और जो कैंडिडेट्स इसकी पहली स्टेज को क्लियर कर लेंगे फिर उन्हें दूसरे स्टेज के लिए किसी एग्जिस्टिंग SSB सिलेक्शन सेंटर में भेजा जाएगा। और इसके स्टेज 2 में 3 अलग अलग तरह की टेस्टिंग टेक्निक्स होंगी, जिनमें इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट और GTO टास्क शामिल होंगे, और इनके प्रोसीजर भी वर्तमान समय के प्रोसीजर से थोड़े अलग होंगे। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में TAT को SAT से रिप्लेस किया जाएगा, और इसमें अब 12 पिक्चर्स की बजाय केवल 9 पिक्चर्स ही दिखाई जाएंगी, और जो WAT और SRT वाला प्रोसेस है वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। और इस डी नोवो सिस्टम के साइकोलॉजिकल टेस्ट में SDT यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट नहीं होगा, और इसी तरह इसके GTO में GD, CSP, OT1, OT2, COC और LC ऐसे टेस्ट मौजूद होंगे। हालांकि इसके इंटरव्यू वाले प्रोसेस में वर्तमान प्रोसेस की तुलना में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। और फिर स्टेज 2 के बाद इसकी तीसरी फाइनल स्टेज यानी कि फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर,
GTO और साइक उन कैंडिडेट्स का चुनाव करेंगे जो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने की क्वालिटी रखते हैं, और सोर्सेस के मुताबिक इस नए सिस्टम में 1.5 किलोमीटर की दौड़ भी हो सकती है। हालांकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन कैंडिडेट्स को दिए गए समय पर इस दौड़ को पूरा करना होगा। और इस सिस्टम को बनाने वाले DIPR और अन्य वर्किंग बॉडीज ने इसमें कुछ अलग तरह की OLQs यानी कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के कुछ नए सेट को शामिल किया है। यानी कि इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि जो वर्तमान समय की प्रोसेस में 15 OLQs हैं, वो इस नए सिस्टम की OLQs से मैच करेंगी। और कुछ अन्य सोर्सेस के मुताबिक अभी इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा और समय लग सकता है। बाकी सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि इसमें कौन कौन से और बदलाव किए गए हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें, ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में रुचि रखता है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे भी कॉमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।